राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात 20 से 25 मिनट तक चली, जिसमें राजस्थान से जुड़े अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद में सतीश पूनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राज्य के लिए बनने के बाद प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया था मुलाकात का, और आज का समय मिला था, और लगभग 25-30 मिनट तक राजस्थान की संगठनात्मक स्थिति से उनको अवगत कराया। क्योंकि सदस्य संख्या के लिहाज से हम लोगों ने काफ़ी बड़ा अचीवमेंट बात किया। साथ ही साथ कुछ राजनीतिक मसले जो केंद्र और राज्य के बीच में रहते हैं, जिसका राजस्थान की सरकार अक्सर केंद्र पर आरोप लगाती है, और एक ताज़ा तरीन उदाहरण है इसका। हमारे यहाँ सांभर झील जो नमक उत्पादन के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन साइबेरिया से लेके तमाम इस तरीके के देशों से लाखों की तादाद में परिंदे आते हैं, खासतौर पर फ्लेमिंगोज। आकस्मिक रूप से एक बड़ी तादाद में उनकी मौत हुई, और उस मौत के बाद मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को पत्र लिखा, जावड़ेकर जी को पत्र लिखा। मैं खुद मौके पर गया तो ये पाया कि राजस्थान की सरकार उस मुद्दे पर कतई जागरूक नहीं थी, सचेत नहीं थी, और नतीजा ये हुआ कि लाखों की तादाद में पक्षी कालकलित हो गए, हजारों की तादाद में। दो चीज़ें साफ तौर पर नजर आई। 15 दिन तक सरकार को इस बात का इल्म नहीं था, हाईकोर्ट ने जब प्रसंज्ञान लिया और मीडिया के जरिए खबरें आई तब सरकार चेती। मुझे लगता है कि सरकार अपनी कमजोरी को केंद्र के पारे में डालकर इतिश्री करना चाहती है। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री जी ने बड़े विजन के साथ लोगों के भले के लिए, राजस्थान की लोगों के आवाम की मजबूती के लिए, मसलन आयुष्मान भारत, बहुत लंबे अरसे से इस योजना को ठीक तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा। 1,10,00,000 लोगों में से 23% लोग अभी भी वंचित हैं। जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना हमारी पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार में चल रही थी, उसमें 30,00,000 लोगों ने 2,800 करोड़ से लाभ लेके और इलाज का फ़ायदा लिया था, लेकिन राजस्थान के लोगों को आयुष्मान भारत का राजस्थान सरकार की जिद के कारण लाभ नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, राजस्थान के कुछ गांव में काफ़ी किसान इससे वंचित हुए, क्योंकि वहां की लोकल गवर्नमेंट ने NIC में जो उनको आधार से लिंक करना होता है वो किया नहीं, केवल इसलिए कि यदि पैसा किसान के खाते में जाएगा तो केंद्र सरकार की वाई होगी। सरकार इस नाते एक विरोध पैदा करके और पंचायत चुनाव में इसका लाभ लेना चाहती है। प्रधानमंत्री आवास के बारे में वहाँ के राजस्थान सरकार के मंत्री ने स्वीकार किया कि अपेक्षाकृत हमारी गति धीमी है, और ये अखबारों की सुर्खियाँ बनी, खुद ने स्वीकार किया। मैंने ऐसी कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में जिनका जिक्र जरूरी था, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला था जिसका राजस्थान के लोगों ने पार्टी को प्रमुख लोगों का लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला था जिसका राजस्थान के लोगों ने पार्टी को प्रमुख लोगों को ज्ञापन दिया है। आर्थिक आधार पर आरक्षण के नाते मैंने राजस्थान की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित किया है। साथ ये निवेदन किया कि जिस तरीके से गुजरात की सरकार ने कुछ मापदंड हटा के और उसमें खाली क्रीमी लेयर के मापदंड को रखा है, जमीन और आवास की शर्त को खत्म करके, और बाकी लोगों को भी, तो राजस्थान के लोगों का मानना ये कि केंद्र की योजनाओं का, केंद्र में आरक्षण का लाभ मिले, तो वो मैंने अपनी तरफ से राजस्थान की जनता की तरफ से उनको रखा है। कुल मिलाकर अच्छी बातचीत हुई, उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए हैं कि राजस्थान में हम लोग और ज़्यादा बेहतर किस तरीके से करें, तो उसके बारे में उनके सुझावों को हम लोगों ने निश्चित रूप से गौर किया। नया नेतृत्व किस तरीके से आए इसकी फिक्र हम लोग करें, तो एक मैंने उनको राजस्थान का आमंत्रण भी किया, साथ ही साथ मन की बात को और एक अच्छे फोरम पे हम लोग खासतौर पर नौजवानों और किसानों के बीच में, मैं राजस्थान में उनको आमंत्रण किया है कि उस फोरम पे हम लोग मन की बात को एक शो के जरिए भी हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा मैं निवेदन करूँगा। फाइनेंस कमीशन का 1,800 करोड़ सरकार ने रोका हुआ है, उसको बातें कई हैं उसमें जो राजस्थान से ताल्लुक के मसले हैं, क्योंकि अभी सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पर जो पंचायतों को पैसा ट्रांसफर होना था वो सरकार ने किया नहीं। ऐसे कुछ मुद्दे और मसले हैं जिनके जरिए हिंदुस्तान की सरकार को, राजस्थान की सरकार को निश्चित रूप से निर्देश देने चाहिए ताकि राजस्थान की जनता को उसका लाभ मिले। सर, प्रदेश सरकार का आरोप है कि 11,000 करोड़ के करीब GST, CST व अन्य केंद्रीय योजनाओं का पैसा केंद्र सरकार ने रोक रखा है, जिससे आर्थिक स्थिति प्रदेश की प्रभावित हो रही है, उसको लेकर कोई चर्चा? मैंने निवेदन किया उनको कि ये आरोप है उनका, और इसकी एक प्रक्रिया होती है,
मैंने जैसे कहा कि ये उनकी आदत में शुमार हो गया कि जहाँ उनकी विफलता होगी और उस विफलता को केंद्र के माथे मंडेंगे। जीएसटी में इससे पहले जो सरकार थी उसने मजबूत पैरोकारी करी, राजस्थान को उसका लाभ मिला। ये सरकार अभी उस तरीके से उस काम के मोड पे आई नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाया है कि इस मसले पर भी सरकार की तरफ से जो भी उचित और वाजिब कार्रवाई करनी चाहिए। जुड़े हुए और लोगों से मुलाकात नहीं, मैं आज तो मेरी प्राथमिकता प्रधानमंत्री जी से मिलने की थी, बाकी लोगों से समय समय पर मैं मिलता रहा हूँ और आगे आने वाले समय में कोशिश करूँगा कि बाकी लोगों से मिलूँ।